हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आलू मटर की सलोनी बना के आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। मैं आलू उबाल के छील के इसको काट ली हूँ बड़े बड़े टुकड़े में, और उस फिर मटर है, मटर भी छील ली हूँ। उसके लिए मैं ली हूँ धनिया कटा हुआ, और एक चम्मच सरसों, और दो तीन मिर्ची, और एक चम्मच नमक। अब मैं बनाने जा रही हूँ। मैं गैस ऑन कर ली हूँ, उस पर कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई, फिर मैं उसमें ऑयल डालूंगी। कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं उसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम होगा, पहले मैं इसमें डालूंगी सरसों चम्मच। मैं इसमें एक चम्मच सरसों डाल रही हूँ, काली सरसों है, मस्त पक जाएगा। तो इसमें मेथी डालूंगी, हो गया। मैं इसमें मेथी डालूंगी, धनिया का पत्ता डालूंगी, इसमें मैं मटर डाल दूंगी। मटर को मैं दो से तीन मिनट तक पकाऊंगी ढक के। आप देख सकते हैं मटर हो गया है, पक गया है। इसमें मैं डालूंगी आलू। आलू उबला था ना, इसीलिए मटर पकाना जरूरी है। मैं आलू डाल दी, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसमें मैं डालूंगी नमक, मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। एक से डेढ़ चम्मच तक नमक अपने नमक डाल के मिक्स करेंगे। बनारस की फेमस सलोनी है। आलू और मटर की सलोनी तैयार हो गई है। आप भी इसको ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट में लिखना जरूर। सलोनी कैसी? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।